एक ऐसी ज़्यारत आपको कराने जा रहा हूँ। ज़ायरीन किराम जब इराक़ आते हैं, इराक़ में नजफ़ अशरफ, करबला, सामरा, काजमैन, उनमें से एक शहर कूफा, हर एक जो भी ज़ायर आता है ज़्यारत के लिए कूफा शहर में ज़रूर आता है। ये जो ज़्यारत आप इस वक्त देख रहे हैं, मैं आज यकीनन आप में से काफ़ी ज़ायरीन ने ज़्यारत की होगी, मगर मुझे नहीं लगता कि न मैंने कभी किसी से देखा। ज़ायरीन जब इस ज़्यारत पे आते हैं उनको इस शहज़ादी के बारे में बताया नहीं जाता। जिस तरीके आप इस वक्त ज़्यारत कर रहे हैं, ये इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहज़ादी है, सलाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ज़्यारत सैयदा खदीजा बिनते इमाम अली अलैहिस्सलाम, ये ज़्यारत नामा है। और ये मस्जिद कूफा है सामने। आप में से काफ़ी मोमिन आए होंगे, मुसलमान जितने भी ज़ायरीन इधर आते हैं। अफसोस अफसोस कि इस शहज़ादी के बारे में, इस मकाम के बारे में कोई भी सराहतन तारीख नहीं बताता। कह देते हैं कि ये इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहज़ादी है और इनका नाम खदीजा है, और कोई कहता है कि मौला अब्बास की बहन थी। ये कहकर लोगों को कहते हैं चलो ज़्यारत करो। यहाँ पर मैंने ये लाजम समझा कि आप मोमिन जब इधर आते हैं, जिस शहज़ादी को आपको ज़्यारत कराई जाती है, अंदर दाखिल होते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला बिज़्नि अल्लाहि वज़्नि रसूलि वज़्नि खुलफा वज़्नि अमीरिल मोमिनीन वज़्नि हसन वज़्नि खदीजतुल कुबरा, सलाम करें, दुआएं बाद में करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जब भी ज़ायरीन इस शहज़ादी के रोज़े पे आ रहे हैं, कुछ भी नहीं बताया जाता इसके बारे में कि ये शहज़ादी कौन है, इनकी माँ कौन है, इनकी तारीख़ क्या है। कूफे में आते हैं, जल्दी जल्दी ज़्यारत कर ली। अच्छा, कूफे में कौन कौन सी ज़्यारत हैं? नजफ़ से जैसे निकलते हैं, सबसे पहले मस्जिद हनाना जाते हैं, नजफ़ के अहाते में आती है जनाब कुमेल, उसके बाद मीसम तमार कूफा शहर में आ जाता है, उसके बाद फिर जो है यहाँ पर मस्जिद कूफा, मौला अली अलैहिस्सलाम का घर, मौला अली अलैहिस्सलाम के घर के बाद मस्जिद कूफा, मस्जिद कूफा के साथ एक ये शहज़ादी है जिनका ये रोज़ा आपके सामने। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर, यहाँ जब मैं दाखिल हुआ तो मैंने यहाँ के खुदाम उनसे पूछा, सवाल किया इस शहज़ादी की कोई तारीख, कहा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम जब खिलाफत में थे तो उस वक़्त आपने इस शहज़ादी के जो है वफ़ात के बारे में लोगों को आगाह कर दिया था। ये जो मकाम आप इस वक्त देख रहे हैं जिसमें शहज़ादी का रोज़ा है, ये पहले क्या था? आज आपको ऐसी ज़्यारत कराने जा रहा हूँ और एक ऐसी मालूमात देने जा रहा हूँ कि आपने ज़रूर इस मकाम के बारे में सुना है। आपने सुना था कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ कूफा में एक सहाबी था जो हर वक्त मौला के साथ था, जिसको मौला ने इल्म मलाया और बलाया अता किया, और हर माँ कहती है कि मेरा बेटा मीसम जैसा बने। हाँ जी, मीसम तमार की बात करने जा रहा हूँ। मीसम तमार इमाम अली अलैहिस्सलाम का वो सच्चा सहाबी था कि जिसके लिए कहा जाता है उस मीसम की ज़बान से निकली हुई हर बात कुरान की आयत की तरह है, यानी सदाकत पे मबनी है, ना हर नीचे ना ऊपर। जैसे जैसे मीसम कहता था, जो जो मौला ने उनको बताया था वैसे वैसे होता गया उनके ज़माने में। तो जनाब मीसम तमार की जब तारीख आपने उठाई, उसमें एक वाक्या सुना है। इमाम अली अलैहिस्सलाम कूफा शहर में जा रहे थे तो मीसम तमार, क्योंकि खजूर बेचते थे, उसको तमार इसके लिए कहा जाता क्योंकि वो खजूर बेचता था। कहाँ बेचता था? ये जो रोज़ा बना हुआ है ना, ये मीसम तमार की दुकान थी। ये मीसम तमार की क्या थी? दुकान थी। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मीसम को और उनके लोगों को यहाँ पे आपने कहा था कि मेरी बेटी में से एक की वफ़ात होगी कि उसको यहाँ पे दफनाया जाए। अच्छा, इनकी वालदा मोहतरमा का नाम के आखिरी जोजा इमाम अली अलैहिस्सलाम की, आखिरी जोजा इमाम अली अलैहिस्सलाम की उम्मे मुहैहात, ये इनका उम्मे मुहैहात नाम है उनका। आप देखिएगा उसमें आखिरी जोजा इमाम अली की कौन सी है, उनकी ये शहज़ादी है। अच्छा, कुछ दिन पहले आपको पता चला होगा कि मैं ज़्यारत पे गया था जमनाब इमरान, शहीद नेरवान, इमाम अली का वो बेटा जिसे अहले सुन्नत वाले उमर करके कहते हैं कि ये उमर उनका नाम है, मौला अली ने अपने बच्चे का नाम उमर रखा है। दरहकीकत वो उमर नहीं था, इमरान ही नाम है।
तो जो इमरान हैं, इमाम अली का शहज़ादा, जो जंग नहरवान में ज़ख्मी हुआ और हिल्ला शहर में मौला ने अपने हाथों से कब्र में गुसल कफन दिया और दो शहीद उनके साथ अपने, उनकी जब तारीख पढ़ रहा था जनाब इमरान की, तो उनकी एक बहन थी खदीजा। मैंने यहाँ पे आके रोज़े वालों से बात की कि खदीजा जनाब इमरान की बहन तो नहीं है, तो उन्होंने कहा हो सकता है, हमने ये भी सुना है। तो देखें, ये मैं जितना जहाँ जा रहा हूँ कुछ ना कुछ चीज़ मिल रही। जनाब इमरान की कब्र पे कैसे पहुँचा, मैं सबब ढूंढ रहा था कि इमाम अली ने सूरज को क्यों पलटाया। जब मुझे वजह मालूम हुई तो पता चला कि जनाब इमरान शहादत की वजह से और शहीद नहरवान के जो शहदा थे, नहरवान के जो मुजाहिद थे, वो नहर फरात क्रॉस कर रहे थे। माशाल्लाह आप सब इस वक्त ज़्यारत कर रहे हैं और मेरी इस बात को जब गौर करेंगे ना, तो फिर आपको ज़्यारत में मज़ा भी आएगा, दूसरों को भी बता सकेंगे। कल आप इधर आएंगे तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऑथेंटिक बताता हूँ कि कोई एक भी सालार भी, कोई भी ये नहीं बताता कि ये इमाम अली की किस जोजा से हैं और इनकी तारीख क्या थी, और ये जगह जिस पे हम खड़े हुए हैं, लोग आ रहे हैं ज़्यारत कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ज़्यारत भी नहीं कराते। मस्जिद कूफा के दरवाज़े पे कहते मौला अली की रोज़े पे बैठी है और बस तामीर चल रहा है, और ये हालांकि तामीर चल रही थी फिर भी रास्ता था। तो मुझे बड़ा अफसोस, ये जो आपको मैंने तारीख बताई है कि ये जहाँ पे रोज़ा है शहज़ादी का, बीबी खदीजा इनका नाम है, कोई कहता है कि मौला अब्बास की बहन खदीजा वो है, कोई कहता है कि जनाब इमरान की जो बहन खदीजा है वो है, और कूफा में यहाँ पर जिस जगह पे शहज़ादी का रोज़ा, यहाँ पे मीसम तम्मार का वो दुकान हुआ करता था जिस पे मीसम तम्मार ने मौला अली को कहा था, आपने वाक्य सुना है, मौला यहाँ पे बैठें और खजूरे के लिए मैं आप थोड़ा यहाँ पे मेरी तरफ़ से खजूर बेचें, मैं घर से होके आता हूँ। तो वो कौन सी जगह थी, ये जगह थी मस्जिद कूफा के सामने मीसम तम्मार का जो दुकान था, कहाँ था वो, कहाँ है, ये दुकान है जो रोज़ा बना हुआ है आज मीसम तम्मार की, यहाँ पे दुकान हुआ करती थी। अच्छा, कितने फासले पर मस्जिद कूफा से चले आए दिखाते, आपने ज़्यारत कर ली, सलाम भी कर ली, ए शहज़ादी खदीजा बिनत इमाम अली, आप पर लाखों दुरूद सलाम, आपके बाबा पर, आपकी अम्मा पर, आपकी बहनों पर, आपके भाइयों पर, 18 वीर आपके थे, 19 वीरों पर सलाम आपका, ए शहज़ादी दुनिया भर के जो मोमिन देख रहे हैं उन सब के सलाम कबूल फरमाए, उन सबको अपनी ज़्यारत नसीब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला, यही सलाम किया जा सकता है। इस दर पे सलाम, यहाँ पे जब मैं कोई तारीख बताता हूँ तो लोग कहते बीच में दुआ मांगे, दुआ मांगे, अब जनाब मैं तारीख बता रहा हूँ उसको गौर से सुने, कोई बंदा कोई तारीख आपको बता रहा है तो उसको गौर से सुने, मैं ज़रूर दुआ मांगूंगा मगर मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ दूँ, बस वीडियो ऑन करके खड़े होकर बस ये दुआ करके चला जाऊँ, ये तो नहीं है ना। मेरी जो वीडियो है 10 साल के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये शख्स जो मेहनत कर रहा है इतनी, और जो मेरे साथ तावन कर रहे हैं मोमिन, अल्लाह उनको सलामत रखे, ये कि वीडियो को आगे शेयर करते हैं और दूसरों तक पहुँचाते हैं और हौसला अफजाई के लिए अच्छे कमेंट्स करते हैं कि शाकिर भाई घर बैठ के इतनी मोतबर शख्सियतों की ज़्यारत और उसकी तारीख भी बताते हैं लोगों से पूछ के, और ऐसी तारीख जो आम लोगों को पता नहीं होता है। यहाँ के जब मैं यहाँ से लोगों से पूछ रहा था वो कह रहे थे यहाँ के लोगों को भी नहीं पता क्योंकि वो पूछते ही नहीं इतना। तो ये बाबे सोबान हैं, बाबे सोबान के दरवाज़े के सामने अल्लाह अकबर लिखा हुआ है, इसके बिल्कुल अपोज़िट में इस शहज़ादी की मस्जिद कूफा के सामने कब्र मुबारक है। तो मैं आपको इमाम अली के घर पे भी अमनुल हाजी शुक्र मला इनसे मैंने जब पूछा तो इन्होंने मुझे जवाब दिया और कुछ तारीख बताई। तो ये मस्जिद कूफा आप देख रहे हैं बाबे सोबान, इसका वाकया, इस पर पूरी मुकम्मल वीडियो बनाई है मैंने कि बाबे सोबान का क्या वाकया है, इमाम अली ने क्या मौजज़ा किया था, माविया ने ऐसे यहाँ पर इसी दरवाजे पर 25 से 20 साल हाथी बांध कर एलिफेंट यहाँ पे बांध दी थी ताकि इसका नाम बाबे फील बने, मगर आज भी बाबे सोबान के नाम से है क्योंकि मौला ने एक मौजज़ा किया था, उस मौजज़े पे कूफे पे चर्चे हो गए थे, एक सांप एक अजदिया मौला से कैसे सलाम करके गया, कलाम करके गया, तो ये मशहूर बात थी। तो बहरहाल एक पूरी वीडियो बनी हुई है, उस पर देखिएगा। यहाँ से जैसे मैं जा रहा हूँ आगे मस्जिद कूफा की, आप ये दीवारें देख रहे हैं जिस मस्जिद में मेरे मौला मुश्किल कुशा मौला हसन हुसैन के बाबा अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया बेगुनाह, अल्लाह अकबर। तो मैं इस मस्जिद पे
एक वो मंज़र भी दिखाने जा रहा हूँ जो अल्लामा मजलिस साहब ने इसको ज़िक्र किया था कि मस्जिद कूफा की मीनार जो होगा एक वो ऐसे टूटेगा। 19 रमज़ान थी, 2017 था, तो 17 हाँ जी मेरे ख्याल 17-18 ये मस्जिद कूफा का मीनार टूटा। ये नज़र आ रहा है जी, ज़रूर मैं दुआ करूँगा कि इस मकाम पे खड़े हो जाऊँ। तो किसी को नज़र आया, जवाब कोई देगा? मस्जिद कूफा पे ये टूटा हुआ मकाम देख लिया आपने? आंखें बंद करके दुआ करके चला जाऊँ पता भी ना चले शाकिर भाई दिखा क्या रहे। ये नज़र आया नहीं? आप मजलिस से पूछिएगा कि शाकिर भाई ने एक मकाम दिखा है, इसके बारे में क्या है? तो कहेंगे अल्लामा मजलिस की किताब में लिखा हुआ है कि इमाम ज़माना के ज़हूर की एक निशानियों में से निशानी है, मस्जिद कूफा का जो पक्का किला है वो टूटेगा, मस्जिद का एक मीनार जो है टूटने शुरू हो जाएंगे। जब ये वाकया हुआ तो उल्मा ने भी इस पे यहाँ पे लिखा था कि इमाम ज़माना की निशानियों में से एक निशानी है कि मस्जिद कूफा का वो पक्का किला वो टूटना शुरू हो जाएगा। तो इसमें गैबत इमाम ज़माना की निशानियों में से एक निशानी इसे भी करार किया जाता है। आप पूछिएगा उलमा से, जब 17 का वाकया हुआ था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस पे कवरेज की गई और दिखाया गया, तो मैंने कहा चलता हूँ तो आपको भी दिखाता हूँ। अब यहाँ से जैसे मस्जिद कूफा का मेन दरवाज़ा है, यहाँ से गुजरते हुए आगे जाएंगे तो मौला अलैहिस्सलाम का घर, घर से आगे फिर जनाब मीसा में तम्बार। मस्जिद कूफा आपको देखनी है मुकम्मल, बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई हुई है मैंने। ज़ायरीन आ रहे हैं बाहर से, ये बाबुल हुज्जा इमाम ज़माना से मंसूबे, हर दरवाजे की एक तारीख है और हर बादशाह जब आया, इमाम अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा हो, मौला हुसैन का या मस्जिद कूफा, अपने नाम का उस बादशाह ने दरवाजे बनवाए। ये एक ऐसी ऐसी तारीख है, ऐसी ऐसी हकीकतें हैं जो कहीं पे भी आपको सुनने को नहीं मिलेगी ना देखने को मिलेगी। क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे पूछता हूँ, वो बताते हैं बड़े बड़े यहाँ के मौर्रिख तारीख लिखने वाले इस पर डिस्कस करते हैं, मजालिस में इनका ज़िक्र करते हैं मेंबरों पे। जब ये चीज़ें मुझे हासिल होती हैं, सुनता हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तहकीक करता हूँ, उसके बाद फिर आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। देखें यहाँ से हम मस्जिद कूफा से सीधा जाएंगे तो पहले मौला अली अलैहिस्सलाम का घर जो है एक डेढ़ साल तक तामीर होने जा रहा था। अब जो घर वो तामीर हो चुका है अंदर से, मैं सिर्फ सहन से लाइव करके आपको दिखाऊंगा अंदर की वीडियो, जब यहाँ पे कल परसों बरसात होगी तो वो बनाऊंगा और अंदर से आपको पूरे रोज़े की, इससे पहले भी मेरी काफ़ी वीडियो बनी हुई है इमाम अली के घर पर, 10 से 12, 15, 20 वीडियो होंगी, देख लीजिएगा, यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पे भी। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम का घर आपको दिखाने जा रहा हूँ, यकीनन देखने के बाद मुझे दुआ देंगे। ये ख्वातीन क्या कर रही हैं पाकिस्तानी? पानी के लिए मौला अली के कुएं का पानी उनके लिए बॉटल्स वगैरह खरीद रहे हैं। यहाँ से हम सीधा जाएंगे, ये दरवाज़ा है इमाम अली अलैहिस्सलाम का घर का। शाकिर भाई मैं जो आपको मंदिर दिखाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ कि ये सैन सलाम अलैकुम जो घर है इमाम अली अलैहिस्सलाम का, इस घर के अंदर हुजरे हैं, मौला हसन का हुजरा, मौला हुसैन का एक ही हुजरा है, बीबी ज़ैनब आलिया, बीबी उम्मे कुलसूम, बीबी उम्मुल बनीन, मौला अब्बास का हुजरा, मौला अली का जो है हुजरा, उसके अंदर फिर मकाम गुसल कफन, ये सारे इसके अंदर मौजूद हैं। और मौला जिस रास्ते से जाता था वो ये रास्ता था, और इस पर भी मैंने बहुत ही खूबसूरत एक वीडियो बनाई है, मगर मैं चाह रहा था कि अच्छे मौके पे वो वीडियो अपलोड करूं। बहुत जल्द उस जगह की आपको वीडियो दिखाऊंगा जिस दरवाज़े से इमाम अली अपने घर से मस्जिद कूफा में दाखिल होते थे, वो दरवाज़ा किसी ने भी आज तक ज़्यारत नहीं की। मैं अंदर करके आया हूँ, सारी कवरेज की है, और जब कुआं बन रहा था तो कुएं से अपने हाथ से पानी निकाला, और उस कुएं के अंदर जो तामीर हो रही थी वो मैंने रिकॉर्डिंग की, और उसके अंदर जितनी भी यहाँ पर
السلام عليكم حاج يا الله شلون حاج صافي ان شاء الله الله يخليك رحم الله يشكركم الله تو اس پہ میں نے ڈیٹیل بتائی اب جس شخص جو مجھے اندر لے کے گیا وہ ابھی مجھ سے ملاقات کی اور سلام کر رہا تھا کہ اس کا میں شکریہ ادا کر رہا تھا کہ انہوں نے مجھے ایک ایسے دروازے کی زیارت کروائی تھی دروازے کی جس سے مولا علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں داخل ہوتے حالانکہ عمومی طور پہ اس دروازے کو کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ دروازہ کہاں ہے وہ بند کر دیا گیا بالکل تو ناظرین کرام اس وقت مولا علی علیہ السلام کے گھر کے اس صحن پہ موجود ہوں جہاں شہزادے مولا حسن جنت کے جوانوں کے سردار مولا حسین مولا غازی عباس علمدار مولا علی علیہ السلام کے 18 ویر مولا کے صحن میں آتے رہتے گھومتے رہتے مسجد کوفہ جاتے شہر جاتے اور مولا کی شہزادیاں اسی شہر میں 5 سال اپنے بابا کے ساتھ رہیں اور یہ مولا کے گھر کا صحن ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے جو روضہ ہے امیر مسلم نکیل کا ہے جب مسلم نکیل کو ابن زیاد نے گرفتار کر کے اپنی دربار میں بلایا خدا کی لعنت ہو ابن زیاد پر کہ ان کے جتنے بھی سپاہی تھے ابن زیاد کے سامنے جب مسلم نکیل کو لایا گیا گرفتار کر کے زنجیروں میں جکھیڑ کر تو پھر ان سپاہیوں نے کہا کہ ابن زیاد ہمارا امیر ہے اسے سلام کرو تو مسلم نکیل جو ہے امام علی کا بڑا بھائی حضرت عقیل ان کے شہزادے حضرت مسلم انہوں نے یہ کہا اگر کائنات میں کوئی امیر ہے تو وہ حسین ابن علی ہے میرا امیر حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو مولا حسین علیہ السلام کو شہادت کے بعد یہ پتہ چلا کہ ابن زیاد کے دربار میں مسلم نکیل نے ان کو امیر کہا تو مولا حسین علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ میرے چاہنے والے جب بھی میرے بھائی مسلم کو یاد کریں تو امیر مسلم کہہ کر اسے پکاریں تو یہ ایک وصیت تھی مولا کی دعا تھی جو ہم اور آپ جب بھی مسلم نکیل کا نام لیں تو امیر مسلم نکیل کیونکہ یہ اپنا مولا نے کہا آج کے بعد یہ لقب میں اپنے بھائی مسلم کو ہدیہ کرتا ہوں یہ مولا کے گھر کا صحن جسے آپ دیکھ رہے ہیں کنویں کا پانی میں نے بھی پیا ہے ضرور پیا ہوگا کنویں کا پانی وہ کنواں جس سے نکال رہے ہیں کر رہے ہیں اس کنویں میں جب وہ تعمیراتی کام چل رہا کنسٹرکشن چل رہی تھی تو میں وہاں پہ معجزے سے اندر چلا گیا پورے گھر کی کنسٹرکشن کی ویڈیو جس جگہ پہ غسل کفن دیا اس جگہ پہ میں کھڑا رہا بیٹھا رہا حالانکہ اس پہ زری بنی ہوئی ہے بڑا مولا کا کرم ہوا کہ مولا نے یہ شرف بخشا میرے پاس تو یہ آپ زیارت کر رہے ہیں امام علی علیہ السلام کے گھر کی اس سے پہلے جو میں نے آپ کو زیارت کروائی مولا علی کی شہزادی بی بی خدیجہ بنت امام علی جسے کہا جاتا ہے مولا عباس کی بہن ہے کوئی کہتے ہیں کہ حضرت عمران جو شہید نہروان ہے مولا علی کا بیٹا ان کی بیٹی ہے اور جس جگہ پہ شہزادی کا روزہ میں نے دکھایا وہاں پہ میسم تمار کی دکان ہوا کرتی تھی جہاں پہ حضرت میسم کھجور بیچتے تھے انشاءاللہ اچھا اس گھر کے سامنے میں گھر کے صحن میں آپ کے لیے دعا مانگوں اب مجھے بتائیں دعاؤں کا وقت اب آ گیا اب مجھے جو دعا کہیں گے کامنٹس کہیں گے مسلم نکیل کو سامنے رکھتے ہوئے عرب کی دنیا میں کہا جاتا ہے جس کی دعا حضرت عباس کے روضے پہ قبول نہ ہو پہلے تو ہو ہی نہیں سکتا ایسے قبول نہ ہو اگر نہ ہو تو پھر وہ باب الحوائج مسلم نکیل کے روضے پر آئے کیونکہ حضرت مسلم نکیل کو بھی باب الحوائج پہچانا جاتا ہے کہا جاتا ہے چلے جی میں آپ سب کے لیے دعا کرنا شروع کر رہا ہوں اپنے نام لکھیں میں نام لیتا ہوں مولا کے صحن میں آپ سب کا تانیہ کی شادی کی دعا کر دیں بھائی جی کر دی جس نے نام لکھ دیا جس کا میں نے عریضہ پڑھ لیا وہ دوبارہ وہ نام نہ لکھے اب میری ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ میری بات انشاءاللہ ایکسیپٹ کریں گے روبینہ خان کے لیے ندیم کے لیے دعا رحمت علی شاہ صاحب مصباح کے ویزے کے لیے رانی شبنم کے لیے روبینہ بطول کے لیے دعا راہی شبنم فہیم عباس کے لیے دعا اور یاسمینہ کی اچھی فریدہ السلطانہ میری بہن آپ کو صرف یہی کامنٹس آتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں آتا روبینہ گھول زیب کی ذیشان کے لیے دعا سویرا کے لیے دعا نشا کے لیے پرویز کے لیے ایمان کے لیے اور سید محمد حسن کربلا کی زیارت ہو جائے جی الیاس شیخ صاحب اور انجم مستقیم محمد علی نام ختم ہو گئے جلدی سے لکھیں سویرا میں نے کہہ دیا ہے
रक्षंदा, शहजाद, शिराज, असमा के लिए, अली ईमान के लिए, सैयदा कुबरा एडमिशन के लिए और सैयद सज्जाद के लिए, शहजाद के लिए, अशरफ, सवाती, बीबा, मोहम्मद शावेस, लाला के लिए, कोमल शाह के लिए, सज्जाद की, अदनान, वकार, मोहम्मद, ओशा, सोफिया, वारसी, कुलवंत शाह के लिए। चले जी, नाम सारे हो गए, वही नाम तकरार हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह आप सबको शाद और आबाद रखे। और मैं जा रहा हूँ मस्जिद कूफा में और आप सबके लिए दुआ करूँगा बाबुल हवाज मुस्लिम वकील के दरवाज़े पे। इस वीडियो को अपने स्टेटस पे ज़रूर लगाना, लिंक उठा के, इस नीयत से कि दूसरे भी कोई ज़्यारत करें, और ग्रुप में भी ज़रूर शेयर करना है। और जो अगर किसी की ख़ास कोई दुआ हो तो मुझे बताइएगा तो वो ख़ास दुआ जो करे कमेंट्स करेंगे तो मैं इंशाल्लाह उसके लिए दुआ करूँगा बाबुल हवाज मुस्लिम वकील के रोज़े पर। अल्लाह आप सबको शाद रबाद रखे। ये इमाम अली का घर है जहाँ पे ज़ायरीन जो हैं मौला अली के घर में जा रहे हैं, हुजरा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, हुजरा मौला हुसैन, बीबी ज़ैनब आलिया, बीबी उम्मे कुलसूम, बीबी उम्मुल मोमिनीन, इन सब शहजादे और शहजादियों के जो हैं हुजरे इस घर में। सामने मौला अली की घर है, माशाल्लाह कितनी रौनक लगी हुई है। अल्लाह आप सबको ये ज़ियारत नसीब करे, इलाही आमीन। जी ज़रूर इंशाल्लाह, जी ज़रूर इंशाल्लाह। ये मंदिर देखने के बाद आपका दिल क्या चाह रहा है?